जय हिंद एवरीवन। तो स्वागत है आप सबका हमारे आज के इस नए ब्लॉग वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने यूट्यूब पे एक नया अकाउंट बनाया था, लेकिन आप लोग उतना सपोर्ट कर नहीं रहे, तो मैं कोशिश यही करूंगा कि मैं अपने इसी अकाउंट पे अब रेगुलर ब्लॉग वीडियो अपलोड करूं। तो आप लोगों से बस इतना सा ही कहना है कि कल या परसों शायद शहीद आजम भगत सिंह जी का जन्मदिन है, तो उनके जन्मदिवस पर आप लोग ज़रूर जहाँ कहीं से भी आप लोग हमारी वीडियोज़ को देखते हैं उन पे माल्यार्पण ज़रूर करना, उनके लिए एक फूल ज़रूर चढ़ाना, क्योंकि आपको हर जगह हर चीज़ों की जयंती याद रहती है, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि एक क्रांति का नया सैलाब लाया था, एक भारत माँ का वीर सपूत कुछ अलग सा नाम लाया था। लोग तो जीने के लिए तरसते रहते हैं, लेकिन उसने अपना जान इस मातृभूमि पर न्यौछावर किया था। तो उस शहीद आजम भगत सिंह की जयंती के लिए हम कुछ वीडियो शूट करने के लिए आए हैं, और आज हमारे साथ हमारे प्यारे भाई शेर सिंह और सभी हमारे प्यारे भाई मौजूद हैं। तो आज हम सभी भाई लोग मिलके कुछ वीडियो शूट करने वाले हैं, और हम उस वीडियो क्लिप को भी थोड़ा बहुत इसमें ऐड करेंगे इस ब्लॉग वीडियो में। फिलहाल शूट करते हैं, भाई कुछ कैमरा वगैरह लेके आए हैं, तो अभी इसका यूज़ करते हैं और उसके बाद करते हैं बातें। फिलहाल पहले मिलवा दें, ये उत्कर्ष भाई है हमारे। कैसे हैं उत्कर्ष भाई आप? बढ़िया हैं, बढ़िया हैं। हमारे साथ और भाई, ये हमारे आशीष भाई हैं, ये भी लखनऊ के हैं और बहुत प्यारे लड़के हैं, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को आगे जीने के लिए। मैं बताऊं कि आपको, मेरे साथ जितने भी ये लड़के हैं ना, मोहब्बत का कुछ अलग सा शुमार रखते हैं, ठीक है? क्रांति का सैलाब लाने के लिए हमेशा बेताब रहते हैं, और जहाँ गलत हो उसके लिए आवाज़ उठाए, कुछ ऐसा ही अपने अंदर जुनून रखते हैं। मैं कहना ये चाहूँगा कि भगत सिंह जी का कहना था कि शिक्षा तो ज़रूरी है, लेकिन शिक्षा में अगर ये चीज़ ना हो कि हमारे सामाजिक स्तर पर या फिर कुछ ऐसा गलत हो रहा है जिस पर हम आवाज़ ना उठा पाएँ जो हमारी मातृभूमि के लिए सही हो, तो हम ये शिक्षा बेकार है। तो शिक्षा का अर्थ यही है कि हम सामाजिक स्तर पर कुछ भी अगर कर सके मातृभूमि के लिए, इस देश के लिए, समाज के लिए, तो वो करना ज़रूरी है। हमारे साथ एक और भाई, क्या नाम भाई? रितेश भाई हैं, ये भी आए हैं आज हमारे साथ, हमारे इस ब्लॉग वीडियो में रहेंगे। ये भी भाई हैं हमारे साथ, क्या नाम है? अंश भाई हैं, ये भी बहुत प्यारे प्यारे भाई हमारे साथ। तो आज हम लोग शूट करेंगे वीडियो, और पीछे हमारे फ़ोन के पीछे शेर सिंह भाई, आप लोग जानते होंगे। तो चलिए आज के ब्लॉग वीडियो में हम लोग आगे क्या करते हैं, पहले कुछ वीडियो, कुछ लाइन्स लिखा है हमने, तो इस लाइन्स को पहले अपलोड करते हैं, और उसके बाद मैं कुछ क्लिप इसमें ऐड भी करूँगा, और बाकी देखते हैं आगे क्या सब होता है। फिलहाल बने रहिए, और मौसम बहुत प्यारा है यार। शेर सिंह भाई बता रहे कि मौसम भी बताइए, मौसम बहुत प्यारा है, मौसम बादल लगा हुआ है और हवाएं तेज़ हैं, तो थोड़ा सा सुहावना लग रहा है। तो चलिए इस प्लीजर मोमेंट में हम भी थोड़ा प्लीजर लें, कुछ अच्छे अच्छे शब्दों को इजहार करें, भगत सिंह को याद करें, और चलिए मिलते हैं कुछ देर में। फिलहाल आप लोग बने रहिए। तो हमारे साथ हमारे भाई आशीष भाई ने कहा है कि भैया आप इतना कुछ बोल लेते हो, कहीं लड़खड़ाते नहीं हो, मतलब ऐसी क्या मतलब आदत हो चुकी है। हाँ, लगभग वैसा ही हो चुका है, और दिल में बस उन्हीं शब्दों के साथ खेलना रहता है, उन्हीं को जोड़ना रहता है, तो अब आदत सी हो चुकी है। कहीं भी बोलता हूँ तो हिचकिचाता नहीं हूँ, शर्म नहीं होती है, क्योंकि सही चीज़ों को बोलते हुए भी कभी भी मेरी जान हिचकिचाना तो चाहिए ही नहीं, और दिल में तभी आपके अच्छे विचार आएंगे जब आप अच्छे विचारों पे ही अपने सब्जेक्ट को रखते हुए वीडियोस बनाएंगे। अरे बहुत हमारा सिंगर है, वैसे भी हेजिटेशन नहीं है, सिंगर है वही, तो स्टेज परफॉर्मर है। क्या बात है, सिंगर है मेरे भाई, वाह। तो हम भाई से लास्ट में गाना भी सुनेंगे और इस ब्लॉग में अपलोड भी करेंगे, क्या बात है, बहुत खूब, आज मजा आ जाएगा। तो आप लोग भी बने रहिए इस ब्लॉग में, लास्ट में बताइएगा कि भाई ने कैसा गाया। तो भाई का सॉन्ग आ रहा है लास्ट में, सो इंतजार करिए, फिलहाल वीडियो शूट कर रहे हैं। वीडियो के दौरान बात छिड़ गई है, बिहार में जो आईपीएस बने हैं कितने बन गए भाई? दो लाख में है। ऐसे कोई लोग अगर हैं जो आईपीएस बनवाते हैं तो भैया दूर ही रहिए, आप लोग नहीं बनना आईपीएस बट। और देखिए हमारे साथ आज इस ब्लॉग में, थोड़ा सा मौसम अच्छा है तो माहौल थोड़ा सही लग रहा है। हाँ भाई, ठीक हो? भाई बहुत अच्छे हैं, भाई को जब भी कोई देखता है तो हंसने मुस्कुराने लगता है। आप भी थोड़ा गौर से देखिएगा भाई, थोड़ा जूम करना, गौर से देखिएगा भाई को, तो आप भी मुस्कुराइएगा, ठीक है? दिक्कत हो तो फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद अभी आशीष भाई गाना सुनाएंगे, हमने दो चार कुछ वीडियोस अब शूट किए हैं, उसे हम लोग इंस्टाग्राम पे पोस्ट करेंगे, अगर हो वक्त तो ज़रूर देख लीजिएगा। आइए यार देखने पे। अरे रुकना यार। तो भाई जैसा कि मैंने कहा था कि ब्लॉग के लास्ट में आशीष भाई जो हैं हमारे सिंगिंग करते हैं, अभी सीख रहे हैं, लर्नर हैं, तो गलती सलती माफ़ करिएगा, लेकिन ये बंदा गाएगा आज आप सबके लिए, तो ज़रूर सुनिएगा और ज़रूर बताना कि आपको इनका सॉन्ग कैसा लगा। और तो मैं कोशिश ये करूँगा कि मेरी जो अगली ब्लॉग होगी जो मैं लाऊंगा उसमें भी आशीष भाई को मिला जाए, और फिर से आप लोगों के लिए कुछ अच्छा सा गाना पेश किया जाए। भैया कुछ आपको डिवोशनल या फिर आपको कह सकते हैं एक पेट्रियोटिक गाना सुनाएंगे, ये भगवान खुदा मौला या फिर आपको देशभक्ति टाइप का गाना सुनाएंगे, सुनिए आशीष भाई दिल से कुछ भी आप जो आपको सही लगे आप गा सकते हैं। एक उम्मीद भैया बोले हैं तो एक सॉन्ग सुनाता हूँ आपको, कैसा लगेगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाबा जो बोले ना बाबा गा रहे, चलो। उसका हूँ उसमें हूँ उससे हूँ उसी का,
रहने दे, मैं तो प्यासा हूँ है दरिया वो जरिया वो जीने का मेरे, मुझे घर दे गली दे शहर दे उसी के नाम के, कदम ये चले या रुके अब उसी के वास्ते, दिल मुझे दे अगर दर्द दे उसका पर उसकी हो वो हंसी गूंजे जो मेरा घर, ऐ खुदा जब बना उसका ही बना, ऐ खुदा जब बना उसका ही बना। क्या बात है, बहुत खूब यार, हमें तो बहुत अच्छा लगा, उम्मीद करते हैं आप लोग को भी अच्छा लगा होगा। आशीष भाई की आवाज़ बहुत ही प्यारी है, मैं तो इससे पहले बंदे को नहीं सुना था, लेकिन आज पहली बार सुना तो मुझे तो अच्छा लगा है। गूज़बम्स आते हैं थोड़े बहुत, देख रहे हो भाई, जब सुनता हूँ ना खुदा की मोहब्बत कोई इजहार करता है तो अच्छा लगता है भाई। जो भी गाने हो उसको कोई भी फील से गाए ना, तो आवाज़ कैसी भी हो तो दिल को सुकून ही देता है। चलिए, आशीष भाई के का ये सॉन्ग आपको अच्छा लगा होगा, हम उम्मीद करते हैं कि अगली वीडियो में ज़रूर हम फिर आशीष भाई से मिलेंगे और फिर कुछ गाने आपको सुनाएंगे। फिलहाल आप लोग बने रहिएगा, और इस ब्लॉग में आपको कैसा लगा, 28 सितंबर को हमारे गुरुजी का, आप सबके क्रांतिवीर हमारे शहीद आजम भगत सिंह जी का जयंती है, तो आप लोग जहाँ कहीं भी रहना सेलिब्रेट करना, दिल से इंजॉय करना, आपके हीरो का बर्थडे है। बाकी जो भी ब्लॉग में आपको कोई भी टॉपिक पे या किसी भी जगह पे आपको क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छा लगा उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी बहुत सारा प्यार, मिलेंगे अगली वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। और हमारे लास्ट में देखो ये दोनों भाई, देखो इन लोगों को सही काम मिला है, ये लोग यही काम करते रहते हैं अब देख लो भाई, यही कर सकता है बेचारा। चलो मिलेंगे अगली वीडियो में, चलो वी आर साइनिंग ऑफ, जय हिंद कर दो भाई, जय हिंद भाई, जय हिंद, जय हिंद।